हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे फोटो एंड वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको किसी को शो नहीं करने होते, तो उन्हें कैसे हाइड कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए गाइस बताइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सॉरी, आपको सेटिंग में नहीं जाना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो हाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन पहले से ही मिलता है, इंस्टॉल होता है फोन के साथ ही। एप्लीकेशन का नाम है फाइल्स, इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी रहती है, उसके बाद अपने फोटो एंड वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली जो फाइल नाम से एप्लीकेशन होता है इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल ऑन करके नीचे आ जाना और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव फोल्डर। सिंपली आपको सेव फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। सेव फोल्डर पर क्लिक करने बाद यहाँ से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ से उसके आपको सेव फोल्डर जैसे आप इसे ओपन करेंगे, इसके बाद आपको मिल जाता है चूज ए पिन। तो सिंपली आप इसका पिन या पैटर्न कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पिन सेट कर देते हैं इसका हम पिन सेट कर देते हैं 4955। ओके, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। इसे आप दोबारा कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप इसे यहाँ से गॉट इट कर देंगे। गॉट इट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको इसके फिर से ओपन कर लेना है। अब आपको अपने ऊपर आ जाना है, यहाँ आपको मिल जाते हैं इमेज फोल्डर मिल जाता है, तो आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद अब आपको जो भी फोटो एंड वीडियो हाइड करने हैं तो सिंपली उनको क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी अपना पिन सेट किया था वो एंटर कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके फोटो यहाँ से हाइड हो जाते हैं। जो भी फोटो एंड वीडियो आपने हाइड किए थे वो सारे आपको हाइड हो जाते हैं, वो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर आपको उन्हें देखना है, यूज़ करना है, तो सिंपली इसी फोल्डर में जाएंगे, अपना पिन वेरीफाई करेंगे और यहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।